नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज धार करके कलेक्ट्रेट में जनजाति समाज के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम दीपाश्री गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि जनजाति समाज की लड़कियां अन्य समाज में विवाह उपरांत उनके जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि समाज की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी कर उनका दुरुपयोग किया जाता है, जो आदिवासी समाज के हित के लिए घातक होता जा रहा है। अन्य समाज के लोग आदिवासी समाज के भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। आदिवासी समाज के अधिकारों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए कोई ठोस कानून बनाया जाए और उन महिला वर्गों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। किस बैनर तले आए थे और क्या मामला है? जैसे हम लोग मनावर से आए हैं, हमारी जो जनजाति समाज की लड़कियां जो अन्य समाज में विवाह करके चली जाती है, वहाँ की निवासी बन जाती है, लेकिन हमारे समाज का जाति का प्रमाण पत्र उपयोग करके वहाँ पर सरपंच जनपद प्रतिनिधि का चुनाव लड़ती है और यह हमारे अधिकार के खिलाफ है। इसके संबंध में हमने आवाज़ उठाई है, इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? मेहताब सिंह फौजी। धार जिले के हम सभी संगठन है, पूरे जितने भी संगठन है वो सब मिल करके ये आवाज़ उठा रहे हैं और हमारा ये है कि संविधान जो पूर्व में बना गया, हम ना तो किसी सरकार को मतलब उसका विरोध कर रहे हैं ना किसी प्रशासन का। हमारा ये है कि हमारे जो संविधान जो बनाया गया है पूर्व में, उसमें सरकार द्वारा संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो चाहे वो हो सकता है। तो हमारे लिए मतलब जो संविधान अगर हमको लग रहा है कि गलत बना है तो उसमें सुधार करना चाहिए और उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो अधिकार है, हमारा अधिकार वो हमको नहीं मिल रहा है। हम वहाँ क्या है कि सरपंच नहीं बन पाते, जनपद सदस्य नहीं बन पाते। क्या है कि हमारे आदिवासी लोग गरीब रहते हैं, इतने पैसे नहीं रहते, पर हमारी लड़कियाँ उनसे शादी कर लेती, उनके पास पैसे रहते, वो ज़्यादा पैसे खर्च करके लोगों को मतलब बरगला के उनके अंदर में वोट ले लेते और हम चुनाव हार जाते हैं हमारे लोग। तो हमारी जो जाति आदिवासी समाज है दिन में दिन गरीब होती जा रही है और हमारी बहनें मतलब करोड़पति की यहाँ के बैठ के मतलब महलों में रह रहे, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारी जो ज़मीन रहती है, ज़मीन रहती तो सामान्य वर्ग के नाम पे नहीं होती है, आदिवासी के नाम पे होती है। तो उसमें भी क्या है कि ज़मीन जो हमारे लोगों की बिकती है तो वही लोग खरीदते हैं, हम गरीब लोग नहीं खरीद पाते, इतने पैसे हमारे पास नहीं रहते। तो वो जो हमारी लड़की रहती है उसी के नाम से जो प्रॉपर्टी रहती है वो खरीद के उनके नाम पे करवा लेते। आपका नाम बता दीजिए। रमेश जुनापानी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच, जिला अध्यक्ष धार।